दोस्तों, नेशनल अवार्ड विनर रह चुके फिल्मेकर नितिश तिवारी अब अपनी अगली प्रोजेक्ट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और उनकी अगली प्रोजेक्ट का नाम है रामायण, जिसको लेकर पूरा बॉलीवुड बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि इस बार इस फिल्म की स्टार कास्ट कौन होगी, सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। तो आपको बता दें कि इस बार की लिस्ट जारी हो चुकी है कि आखिरकार रामायण में कौन कौन स्टार्स शामिल होने वाले हैं। तो इस वीडियो के जरिए हम आपको बताएंगे कि आखिरकार इस बार स्टार कास्ट कौन कौन है और किन स्टार्स को किस जगह पर पोजीशन दिया गया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस लिस्ट में सबसे पहले राम के तौर पर जो नजर आएंगे वो रणबीर कपूर है। सभी को पता है कि रणबीर कपूर राम के तौर पर नजर आएंगे, इसके अनाउंसमेंट बहुत पहले हो चुकी थी। वहीं सीता के तौर पर नजर आएंगी साई पल्लवी। उनकी सादगी, उनका नेचुरल अंदाज सभी को बहुत पसंद आता है। और हनुमान के तौर पर नजर आएंगे सनी देओल, इसकी भी अनाउंसमेंट पहले हो चुकी है और जिसको लेकर सभी में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी है। सनी देओल को हनुमान के तौर पर देखना भी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाला है। हनुमान के रोल को किस तरह सनी देओल प्ले करेंगे ऑन स्क्रीन, ये तो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। और वहीं आपको बता दें, चौथे नंबर पर कैकई के तौर पर नजर आने वाली है लारा दत्ता, और लारा दत्ता को कैकई के तौर पर देखना भी काफी इंटरेस्टिंग होगा। और अगर हम इमेजिन करते हैं कैकई की, तो कैकई के रोल में बिल्कुल फिट बैठेगी लारा दत्ता। और अगर हम पांचवें नंबर की बात करें तो इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर आते हैं विजय सेतुपति, जो विभीषण के कैरेक्टर को प्ले करने वाले हैं। ये बहुत ही मजेदार होगा। लेकिन अभी तक रामायण के रावण का किरदार अभी तक कौन प्ले करेगा इसकी जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन अनुमान ये लगा सकते हैं कि लॉर्ड बॉबी को रावण के तौर पर देखा जा सकता है। तो लॉर्ड बॉबी को एज रावण हम इसलिए भी इमेजिन कर सकते हैं क्योंकि हमने हाल ही फिलहाल में फिल्म एनिमल देखी थी, जिसमें रणबीर कपूर भी थे और बॉबी देओल भी थे, और दोनों को एक साथ स्क्रीन में देखना काफी मजेदार भी था। अगर वही चीज इस बार फिर रिपीट हो जाए तो क्या ही बात है। अगर रावण के तौर पर आप लॉर्ड बॉबी को नहीं देखना चाहते हैं तो उनकी जगह कौन शामिल हो सकता है जो रामायण को जस्टिफाई करेगा, रावण के कैरेक्टर को जस्टिफाई करेगा। आप अपनी राय कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिएगा इजाजत, अपना ध्यान रखिएगा। बाय एंड टेक केयर।